नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान में तेजी से पैर पसार रहा यह वायरस अब बेकाबू होने लगा है। उसके चारों प्रांतों के सभी बड़े प्रमुख शहरों में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो पूरे पाकिस्तान में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5000 के करीब पहुंच गया है। 78 लोगों ने हुरों की तलाश में राह पकड़ ली है, जबकि 400 से ज्यादा वेंटिलेटर पर पड़े हुए हुरों के सपने देख रहे हैं। पर इसी बीच पाकिस्तान से आ रही अस्पष्ट खबरों से एक चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद वैश्विक जमूरे हाफिज सईद के वायरस इन्फेक्टेड होने की खबर है। इस जेल में मौजूद 40 से ज्यादा बंदी संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें हाफिज के 6 साथियों समेत खुद यह जमूरा भी संक्रमित है। बताया जाता है कि पिछले दिनों जब कोट लखपत जेल अधीक्षक की पहल पर यहां कुछ कैदियों की जांच की गई तो उसमें 40 से ज्यादा बंदे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन लोगों में सईद जमूरा भी शामिल था। पाक गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट के बाद सईद को क्वारंटीन किया गया है। उसे जेल में ही विशेष केबिन उपलब्ध कराया गया है। गौरतलब है कि सईद पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रहा है। उसको हृदय रोग संबंधी बीमारी पहले से है। सईद जमूरे के अलावा उसके संगठन के 6 अन्य सदस्य भी इस वायरस की चपेट में आए हैं, जो उसी के साथ कोट लखपत जेल में बंद है। खास बात यह है कि पाकिस्तान की किसी जेल में संक्रमण फैलने का यह पहला मामला है। खासतौर से सईद का संक्रमित होने की घटना ने इमरान सरकार के हाथ पांव फुला दिए हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत ने टेरर फंडिंग केस में सईद और उसके साथियों के खिलाफ कुल 23 FIR दर्ज की थी और 17 जुलाई 2019 को उसे गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान की अदालत ने इस जमूरे को 11 दिसंबर 2019 को दोषी करार दिया था। फिर 13 फरवरी 2020 को 11 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से सईद कोट लखपत जेल में पड़ा हुआ है। जेल अधिकारी के मुताबिक सईद की हालत स्थिर बनी हुई है। पिछले 2 दिन से सईद क्वारंटीन में है, जहां उसकी देखभाल की जा रही है। बड़ी बात यह है कि सईद ने जेल कर्मचारियों से उसे जिन्ना अस्पताल में भेजने की गुहार लगाई है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि अभी वह स्थिति नहीं आई है कि सईद को आइसोलेशन में एडमिट कराया जाए। इस संबंध में जेल अधीक्षक ने पाक गृह मंत्रालय को अवगत करा दिया है। इमरान सरकार ने पाक फौज से चिकित्सकों का एक दल कोट लखपत जेल में भेजने का आग्रह किया है, ताकि सईद जमूरे का सही से ट्रीटमेंट किया जा सके। दरअसल हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए एक ऐसा बोरा है, जिसके बल पर वह अमेरिका से बड़े फायदे उठाता रहा है। अमेरिका ने वर्ष 2012 से सईद पर $1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया हुआ है। सईद जमूरे के तालिबान और अक्कानी नेटवर्क से गहरे रिश्ते रहे हैं, जिसकी बदौलत पाकिस्तानी फौज उसके सारे अफगानिस्तान में अस्थिरता फैलाती रही है, साथ ही भारत को भी जख्म देने का काम किया है। ऐसे में सईद के संक्रमण की चपेट में आ जाने से पाक फौज में भी हड़कंप मचा हुआ है। वैसे भी कोट लखपत जेल की जिस बैरक में सईद को रखा गया था, वहां उसे 5-स्टार होटल जैसी सुविधा उपलब्ध थी। उसे पूरी जेल में कहीं भी आने जाने की पूरी छूट मिली हुई थी। माना जाता है यही छूट सईद के संक्रमित होने का कारण बन गई। पर मामला इससे भी ज्यादा गंभीर है। अब यह जांच की जा रही है कि सईद किस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया था। उन लोगों की जांच भी की जा रही है जो 1 मार्च के बाद से अब तक सईद से मिले हैं। बताया जाता है ऐसे लोगों की लिस्ट काफी लंबी है। अब प्रशासन सईद से मिलने वाले लोगों को पकड़कर क्वारंटीन कर रहा है। कोट लखपत जेल में संक्रमण ज्यादा नहीं फैले, इसके लिए पाक सरकार ने सभी बैरकों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। पर कहने वाले यही कहते हैं कि पाकिस्तान में शहरों से होता हुआ यह वायरस अब देहात और गांव में दस्तक दे चुका है। सरकार फौज के बल पर आंकड़ों पर पर्दा डालने का काम कर रही है, मगर वास्तविक आंकड़े कहीं ज्यादा घबराहट बढ़ाने वाले हैं। इस वायरस से तो लोग आहत हैं ही, भूख और गरीबी भी उन पर काल बनकर टूट रही है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि सईद जैसे लोगों को पूरी सुविधाएं दी जा रही है, पर आम आदमी के लिए सरकार के पास ना डॉक्टर है और ना उनके लिए राशन है। लोग अब भी नुक्कड़ पर खड़े हुए उस गाड़ी के इंतजार में हैं, जिसे इमरान ने राशन की बोरी भरकर भेजा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।